दोस्तों नमस्कार, सभी लोग परेशान हैं कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2024 का जो खेला जाएगा उसका टिकट कैसे बुक करेंगे ऑनलाइन। दोस्तों आपकी परेशानी का सॉल्व हो चुकी है क्योंकि टिकट लाइव हो चुका है, टिकट ओपन है, आप जाके बुक कीजिए। पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी चीज समझिए, टिकट बुक कीजिए, मैच का एंजॉय कीजिए। यह मुकाबला 20 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2024 तक खेला जाएगा। 20 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2024 तक खेला जाएगा। इसका जो टिकट आया है, अभी जोधपुर स्टेडियम में मुकाबले होने वाले हैं उसका टिकट आया है, जोधपुर स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ पे जो टोटल मुकाबले खेले जाएंगे, छह मुकाबले खेले जाएंगे तो जोधपुर में होने वाला है। इसका शेड्यूल ही बस आया है, अभी इसी का शेड्यूल अभी आया, बाकी के नहीं आए हैं। 20 सितंबर को होगा शाम 7 बजे से, 21 सितंबर को 3 बजे से होगा, 22 सितंबर को 3 बजे से होगा, 23 सितंबर को 7 बजे से होगा, 25 सितंबर को 7 बजे से होगा और 26 सितंबर को 7 बजे से होगा। ये शेड्यूल है जोधपुर का, जोधपुर में 6 मुकाबले होंगे। चलिए बता दूं मैं आपको टिकट कहां से बुक करना है, कैसे बुक करना है। चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां भी मैं क्रिकेट की जानकारी अपडेट करते रहता हूँ, छोटी से बड़ी जो भी अपडेट आती है मैं वहां ज्यादातर करके अपडेट करते रहता हूँ, तो ज्वाइन करिएगा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों। चलिए समय पास नहीं करें, करके आपको दिखाते हैं कैसे और कहां से बुक करना है। जो सिस्टम बताने वाला हूं उसी सिस्टम से बुक होगा, ये नहीं कि यहां से कैसे करें वहां से कैसे करें। काफी लोग पूछते हैं बताने के बाद भी ये नहीं करें कि किसी और साइट से कहां गए। देखिए सिर्फ पेटीएम पर टिकट आया और पेटीएम से ही होगा, बाकी कहीं से नहीं होगा। पेटीएम पर आया और पेटीएम से होगा, तो क्या करना है आपको, चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दूं मैं। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो, करना क्या, पेटीएम ऐप को ओपन करना है। अगर आपके पास पेटीएम ऐप नहीं तो अभी इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, उस पर अपनी आईडी पर कायदा सब कुछ बना लीजिए। बनाने के बाद स्क्रोल करके नीचे आइएगा, एक इवेंट टिकट का एक ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा, इवेंट टिकट, इसी पर क्लिक करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें सर्च करना है लीजेंड्स लीग क्रिकेट। दोस्तों ऐसे ही सही जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हमारे, और डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का लिंक है सही जानकारी के लिए, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं अपडेट करता रहता हूं। यहां क्या लिखना है, लीजेंड्स लीग, यहां पे आ गया। देखिए अभी जोधपुर के दो टिकट आए हुए हैं, बाकी का भी आता रहेगा, चेक करते रहेगा। आपको इसका आएगा देखना, आपको 20 और 21 का आया हुआ, जो भी लेना है उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद देखिए, जब अगर मान लीजिए बाय चांस आपको सोल्ड आउट लिखता है तो टिकट आपको नहीं मिलेगा, सोल्ड आउट का मतलब खत्म हो गया, ठीक है। अगर लिख दे तो फिर कभी कभी क्या होता है, सोल्ड आउट खत्म होता है, तभी लोग बार बार पूछते हैं कैसे बुक करें, कहां से बुक करें, फिर आपको टिकट नहीं मिलेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, उसकी बारे में मुझे जानकारी नहीं, ठीक है। सोल्ड आउट का मतलब खत्म होता है, ठीक, फिर टिकट आपको नहीं मिलने वाला है। टर्म एंड कंडीशन बता दूंगा, हिस्ट्री में आप जाना चाहते हैं टिकट लेना हो, जाना होगा तभी लीजिएगा, ऐसा मत लीजिए, क्योंकि टिकट कैंसिल नहीं होता है। काफी लोग पूछते हैं कैंसिल कैसे करें, टिकट कैंसिल नहीं होता है कभी भी क्रिकेट मैच का। हाँ, अपने भाई बंधु को देके भेज सकते हैं आप, एक ही बंदा 4-5 टिकट ही बुक कर सकता है और सब लोग साथ में जाके मैच का एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबकी सीट आसपास मिल जाएगी। क्या करना है आपको, बुक करने से पहले मैच की जगह यही चीज है, ये लोकेशन जो है इसको जरूर चेक कर लीजिए, क्या जो लोकेशन है वो सही है दूसरा कुछ है, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा अपना। एंट्री मैच के 2 घंटे पहले शुरू रहती है, मैच के 2 घंटे पहले एंट्री शुरू रहती है, जब भी मैच रहेगा टाइम उसके 2 घंटे पहले से। अब क्या करना है, और मैच के हाफ टाइम तक एंट्री होती है। देखिए बाय नाउ पर क्लिक करना है, टिकट 499 रुपये टिकट प्राइस है इसका, 499, यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ भी टिकट जाएगा इस तरह से बन जाएगा, आप क्लिक कर लीजिएगा ऐड। देखिए यहाँ पे ऐड करना है, जितना भी टिकट लेना है, देखिए लगता है 10 टिकट तक बुक कर सकते हैं आप, 10 टिकट तक बुक कर सकते हैं, जितना भी आपको जितना भी लोग साथ में जाना चाहते हैं एक लोग बुक कर लीजिएगा। अगर आपके साथ वाला कोई नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, टिकट में नाम नंबर नहीं होता कुछ भी, किसी को भी आप 10 लोग को ले जा सकते हैं, एक भी बुक कर सकते हैं, दो भी बुक कर सकते हैं, 10 भी बुक कर सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं बुक कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ऐड टू कार्ड कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, टिकट आपका बुक हो जाएगा, मेल पे कन्फर्मेशन चला जाएगा, टिकट आपका बुक हो चुका है, ठीक है। डेट टाइमिंग सब कुछ रहेगा वहां पे, टिकट पे होता है, और मेल के द्वारा बताया जाएगा टिकट लेना है या नहीं, फिजिकल लेना है या नहीं, या फिर डायरेक्ट स्कैनर से एंट्री होती है। कहीं कहीं क्या है कि इस लीगों का स्कैनर से भी एंट्री हो जाती है, तो इस चीज को आप लोग मेल और मैसेज में आपको जानकारी आ जाएगी, जो मेल मैसेज में जानकारी आएगी उसको फॉलो कीजिएगा आप लोग। स्टेडियम में कुछ भी लेके जाइएगा मत, सिर्फ पैसे मिनट और मोबाइल लेके जा सकते हैं, और कुछ भी लेके आना अलाउड नहीं होता है। काफी लोग पूछते हैं इस चीज को, ठीक है, तो जो पैसे मिनट और मोबाइल लेके जा सकते हैं, जैसे सिक्का हो गया, पावर बैंक, चार्जर, स्टिक्स, कैमरा, बैग, ये सब अलाउड नहीं होते। तो ये सब जहां भी आप रहते हैं, जहां भी आप घर, सब कुछ रख के जाएगा, रूम है, सब कुछ रख के जाएगा। स्टेडियम में सिर्फ पैसे मिनट और मोबाइल लेके जाइएगा। हाँ, स्टेडियम में जा रहे हैं, बाहर खाने पीने का सामान मिलता है, खाइए पिए, ठीक है, सिक्के अपना खर्च कर दीजिएगा, फिर आपको वहाँ डस्टबिन जो कुछ मतलब एक रखा रहता है कि वहां पे आप अपना पैसा है तो डाल दीजिए, वो डोनेट हो जाता है, वो मिलता वापस नहीं जाने के लिए,
देखिए आप कुछ भी करेंगे अगर बैग आपके पास है, पावर बैंक चार्जर है, तो आपकी एंट्री नहीं होगी, बता दे रहा हूँ, क्योंकि स्टेडियम के रूल सबके लिए सेम होते हैं। इसलिए रख के जाइएगा आप लोग, इस चीज़ का रिस्क कभी मत लीजिएगा कि मैं लेके जाऊँ लेके चला जाऊँगा बात करके, वहाँ बात कुछ नहीं होता है। जो रूल है रूल है, आपको जो कि टिकट जो होगा हो सकता है अगर फिजिकल मिलेगा तो उसके पीछे लिखा रहता है सब कुछ कि ये चीज़ अलाउड नहीं है, जो मैं बता दिया हूँ, तो जानकारी आपके लिए रही। देखिए बता दें, चीज वॉलेट आपके पास है तो लेके जा सकते हैं, मान लीजिए पर्स है तो उसको लेके जा सकते हैं, कागज पत्तर है तो चलेगा, एटीएम कार्ड पैन कार्ड आधार कार्ड है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जानकारी आपको दी, जानकारी चले वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में क्रिकेट जुड़ी किसी आयोजन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।